गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में वाहनों का प्रवेश बंद होने से टेम्पो चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इन सभी की समस्याओं को लेकर रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह थाना गोवर्धन पहुँचे। एनजीटी न्यायालय के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को नॉन ट्रैफिक जोन घोषित करने के बाद परिक्रमा मार्ग में पूरे तौर से वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण अब परिक्रमा मार्ग में चलने वाले टेम्पो चालकों में रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, जिसे लेकर आज गोवर्धन टेम्पो चालकों ने तहसील प्रांगण में एक बैठक की। बैठक में आए राष्ट्रीय लोकदल के नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने टेम्पो चालकों की समस्याएं सुनकर चालकों के पक्ष में खड़े होकर सैकड़ों टेम्पो चालकों को अपने साथ थाना गोवर्धन लेकर पहुंच गए। जब कुंवर नरेंद्र सिंह को थाना गोवर्धन में समय पर कोई सक्षम अधिकारी नहीं मिला तो कुंवर नरेंद्र सिंह ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि आज वृंदावन में मंत्रियों का आवागमन है, जिसमें जिले के सभी फोर्स लगा दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई घटना अन्य थाना इलाकों में हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं टेम्पो चालकों की समस्या से पुलिस को अवगत कराने आए कुंवर नरेंद्र सिंह को जब कोई सक्षम अधिकारी नहीं मिला तो थाने में तैनात होमगार्ड को ही अपनी समस्या सुनाने लगे। नेताजी की बात होमगार्ड ने सुनकर उन्हें अधिकारियों के आने पर अवगत कराने की बात कहकर संतुष्ट कर दिया और नेताजी अपने टेम्पो चालकों के साथ थाने से लौट गए। जो यहाँ नहीं भी हो उन्हें भी बुला लेना। हाँ जी, कोई एक भी रहने जाए सुबह ठीक 10 बजे आ जाना, डीएम 10 बजे बैठ जाते हैं, मैं आपको मिलूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।